डिसेलिब्रेट रिजिडिटी की और इसकी डिस्कवरी की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिसेलिब्रेट रिजिडिटी की डिस्कवरी किसने ली थी। तो सर चार्ल्स शेरिंगटन। सर चार्ल्स शेरिंगटन के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम, तो वो एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया नर्वस सिस्टम को समझने और उसके एडवांस के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए। उनकी बहुत डिस्कवरीज हैं, जैसे कि हम एक एक करके बात करेंगे। नंबर वन, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। सर चार्ल्स शेरिंगटन ने फाउंड किया था साइनेप्स टर्म को, जो कि दो नर्व सेल्स के बीच के जंक्शन को बोलते हैं, जहां पर सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है। उनकी रिसर्च प्रोवाइड करती है फंडामेंटल इंसाइट्स को कि कैसे नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक। नंबर रिफ्लेक्सेस। सर चार्ल्स शेरिंगटन ने कंडक्ट किए एक्सटेंसिव स्टडीज रिफ्लेक्स एक्शंस पर, जिसमें स्ट्रेच रिफ्लेक्स आता है। उन्होंने डेमोंस्ट्रेट किया मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क्स के एग्जिस्टेंस को, जिसमें इन्वॉल्व था डायरेक्ट कनेक्शन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में। ये वर्क करता है फाउंडेशन को न्यूरल सर्किट्स और रिफ्लेक्स पाथवे को समझने के लिए। नंबर थ्री, रेसिप्रोकल इनर्वेशन। सर चार्ल्स शेरिंगटन ने इंट्रोड्यूस किया रेसिप्रोकल इनर्वेशन को, जो कि रेफर करता है अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल ग्रुप्स को मूवमेंट के टाइम। उन्होंने बताया कि जब दो मसल ग्रुप एक्टिवेटेड होते हैं तो अपोजिंग मसल ग्रुप उसको इनिबिट करते हैं, और यहाँ पे मोटर कंट्रोल की इम्प्लीकेशन को भी बताया गया। नंबर फोर, डिसेलिब्रेट रिजिडिटी। सर चार्ल्स शेरिंगटन ने डिस्क्राइब किया था डिसेलिब्रेट रिजिडिटी को एक न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना, जो कि रिजिड एक्सटेंशन चारों लिम्ब का होता है डिसेलिब्रेशन की वजह से। उनका वर्क एक्सप्लेन करता है इस फिनोमेना फिजियोलॉजिकल बेसिस पर, और यहाँ पर मोटर फंक्शन के बारे में पता चलता है, उसमें भी इनहिबिटरी रोल के बारे में। नंबर फाइव, मोटर कॉर्टेक्स लोकलाइजेशन। सर चार्ल्स शेरिंगटन ने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट जिसमें लोकलाइज हो स्पेसिफिक फंक्शंस ब्रेन के, वो भी मोटर कॉर्टेक्स में। उन्होंने आइडेंटिफाई किया उन एरियाज को जो कि एसोसिएट होते हैं वॉलेंट्री मसल मूवमेंट में, जिसने कंट्रीब्यूट किया हमारी अंडरस्टैंडिंग को सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मोटर कंट्रोल रीजन के लिए। नंबर सिक्स, प्रोप्रियोसेप्शन। सर चार्ल्स शेरिंगटन का इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है प्रोप्रियोसेप्शन को समझने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के रिलेटिव पोजीशन के लिए। उन्होंने डेमोंस्ट्रेट किया मोटर कोऑर्डिनेशन और पोस्चर के प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक की इम्पोर्टेंस को। सर चार्ल्स शेरिंगटन के ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको नोबल प्राइज मिला फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1932 में, जो कि उन्होंने शेयर किया एड्रियन के साथ उनके न्यूरॉन्स के फंक्शन पर काम करने के लिए। अब हम शुरू करते हैं डिसेलिब्रेट प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो डिसेलिब्रेट है वो एक लैटिन वर्ड है, जो इसका मतलब यहाँ पे हम जानेंगे। डी मतलब विदाउट और सेलिब्रेट मतलब सेरिब्रम, मतलब विदाउट सेरिब्रम। तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च है जो सिर्फ फिजियोलॉजी और न्यूरोलॉजी की स्टडी है। यहाँ पर प्रिपरेशन मतलब स्टडिंग है, जो कि एनिमल्स पर की जाती है। रिसर्चर आइसोलेट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं फंक्शन को, जो कि कंट्रोल होते हैं ब्रेन स्टेम और लोअर ब्रेन रीजन से, बिना
हायर ब्रेन फंक्शन के इंटरफेरेंस के। ये प्रिपेयर होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के सारे कनेक्शन को रिमूव करके मिड ब्रेन के लेवल पर सुपीरियर और इंफीरियर कैलिपुलस के बीच में सेक्शनिंग करके। ये प्रिपरेशन कैरेक्टराइज्ड होती है स्टिफनेस स्टेट या रिजिडिटी से, जो रिजेंबल करता है अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के इफेक्ट से। ये प्रिपरेशन सबसे पहले की थी नोबल ल्यूरेट सर चार्ल्स शेरिंगटन ने कैट में, जिनकी कंट्रीब्यूशन की बात हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं। सारे लिम्स का रिजिड एक्सटेंशन में होना डीसेरिब्रेशन की वजह से। इस टाइप की रिजिडिटी प्रोनाउंस होती है एक्सटेंसर मसल्स में। ये डीसेरिब्रेट रिजिडिटी टर्म कॉइन किया था सर चार्ल्स शेरिंगटन ने 1897 में। इस डीसेरिब्रेट रिजिडिटी का रीज़न होता है सेंटर्स के रिलीज होने से। डीसेरिब्रेट रिजिडिटी हुआ क्योंकि सर्टेन ब्रेन एरियाज जो कि लोकेटेड हैं ब्रेन में एक्टिवेट हो गए, और जो यूजुअल इनहिबिटरी कंट्रोल है हायर ब्रेन एरिया से उसका लॉन्गर फंक्शन नहीं है। इनहिबिटरी एरिया है 4S, ये सिचुएटेड होता है सेरिब्रम के मोटर कॉर्टेक्स में, जो कि एंटीरियर होता है एरिया 4 के और एरिया 6 के पीछे। इस एरिया में पैड सेल एब्सेंट होते हैं और यहाँ से फाइबर्स प्रोजेक्टेड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में रेटिकुलर फॉर्मेशन के थ्रू। तो डीसेरिब्रेशन में एरिया 4S के न्यूरॉन्स डिस्चार्ज होकर स्पाइनल मोटर न्यूरॉन तक नहीं पहुँच पाते, जो कि रिजल्ट करता है स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स के एक्सर्शन को, जो कि रिजल्ट करता है रिजिडिटी में। डीसेरिब्रेट रिजिडिटी प्रोड्यूस होती है फोर ब्रेन के ब्लड फ्लो के रुकने से। ये ब्लड फ्लो रुकता है पॉन्स के सेंटर में, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और बेसिलर आर्टरी के ऑकल्जन से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।